नमस्कार बच्चों बच्चों आज मैं बोर्ड से हटकर आपको लेकर आ चुका हूँ GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट पर। जैसा कि लाइव ये वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर जो दो प्रकार की ये जो लाइन चल रही है, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट जो लाइन है उसमें एडिट एप्लीकेशंस ऑप्शंस इन एनुअल फॉर दी कैंडिडेट्स हु अप्लाइड टू मणिपुर डिवीजन इन GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल मई 2023 फॉर में 4 सितंबर से 6 सितंबर, यानी कि स्पेशल ड्राइव नाम से जो भर्ती आई थी 2023 में, तो उसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मणिपुर डिवीज़न है वहाँ पिछली बार क्या हुआ, इंटरनेट में प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो वहाँ से बच्चों ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया, तो उनके लिए फिर से मौका दिया गया था और ये फॉर्म 3 सितंबर तक चले थे। तो जिसने फॉर्म डाल दिया है वो अगर जाने अनजाने में फॉर्म में गलती कर दी है तो एडिट कर सकते हो। एडिट ऑप्शंस आपके लिए एनुअल है 3 दिन के लिए, 4, 5 और 6 सितंबर का, ठीक है, पहला अपडेट। सेकंड नंबर पर आपको जो ये लाइन चल रही है ये शेड्यूल जुलाई 2024 में लिस्ट फर्स्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की आपको दिखाई गई है। एक्सपेक्टेड हरियाणा जम्मू कश्मीर की अभी लिस्ट नहीं आई है, जल्द आ जाएगी यहाँ पर। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर नीचे जैसे ही हम चलेंगे तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है ये किसके रिलेटेड है, तो इसके ऊपर मैंने दोस्तों वैसे चर्चा कर ली है क्योंकि अभिषेक क्लासेस के अलावा हमारा एक न्यू चैनल भी है अभिषेक क्लासेस GDS के नाम से, तो वहाँ पर मैं बोर्ड से हटकर इसी वेबसाइट की जानकारी देता रहता हूँ। तो कुछ बच्चे वहाँ पर अभी नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ जाइए क्योंकि मैं जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है कोई भी जानकारी आती है उसको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जानकारी दोस्तों वहीं मणिपुर डिविजन्स को लेकर है, तो इसका तो कोई मतलब रहा ही नहीं क्योंकि अब फॉर्म वॉर्म भरे गए हैं। अब तो मणिपुर डिवीजन से जिसने फॉर्म अप्लाई किया है उनको बता देता हूं कि इसकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ये आपकी आने वाली है 8 सितंबर के आसपास, ठीक है, यानी कि 2-3 दिन में ही आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। इसी वेबसाइट से आपको लिस्ट मिलेगी और वैसे मैं आपको लिस्ट जैसे ही आएगी तुरंत टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। अगला, और कुछ वेबसाइट पर दोस्तों नया आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वही पुराना है। अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर GDS की जो लिस्ट है वो कहाँ से हम चेक करेंगे, कहाँ आती है इस वेबसाइट पर, तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे प्यारे बच्चों ये जो कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर सर्कल वायर आपको बताया गया है कि ये जो है पहली मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, जैसा कि आपको यहाँ पर सर्कलों के नाम दिखाई दे रहे हैं, यहीं से आपको अपने अपने सर्कल वायर रिजल्ट चेक करना है। अभी दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पर रिजल्ट की, तो यहाँ पर अभी पहली लिस्ट आई है जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश की, मैंने हिमाचल प्रदेश पर क्लिक किया तो लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स यानी कि अभी फर्स्ट लिस्ट यहाँ पर दिखाई दी है। जैसे ही नेक्स्ट सेकंड लिस्ट आएगी यहाँ पर दोस्तों प्लस के कॉर्नर पर आपको सेकंड लिस्ट दिखाई देगी, सेकंड लिस्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स इस तरीके से, तो इसी जगह पर आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी। प्यारे बच्चों सेकंड लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस बार सेकंड लिस्ट जो है 2 भागों में आ रही है। सेकंड लिस्ट की अगर हम एक्सपेक्टेड डेट के बारे में जाने तो यहां से पार्ट ए और पार्ट बी। अब दोस्तों पार्ट ए में जो अदर सर्किल की लिस्ट आई है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हो चुका है 3 सितंबर तक, और पार्ट बी में जो हिंदी सर्किल की लिस्ट आई है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी 2 दिन और चलने वाला है 6 सितंबर तक। पार्ट ए का जो सेकंड लिस्ट है वह 8 सितंबर के आसपास आ जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। और पार्ट बी की जो सर्किल है उनका जो सेकंड लिस्ट है वो 10 से और 15 सितंबर तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब प्यारे साथियों कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये तो चलो आपने बता दिया है कि लिस्ट कब तक आने की पॉसिबिलिटी बन रही है, आप थोड़ा कट ऑफ बताइए,
प्यारे साथियों, कट ऑफ के ऊपर चलने से पहले आपको यही मैं समझा देता हूं कि आपकी जो कट ऑफ है वह सर्किल वाइज बनती है। जैसा कि आपने अलग अलग सर्किल से फॉर्म डाला है, सपोज करो आपने फॉर्म डाल दिया है, इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश 21 पर है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे डिवीज़न है। कितने डिवीज़न है? बहुत सारे डिवीज़न है। अब आपने कौन से डिवीज़न से फॉर्म अप्लाई किया है ये आपको पता होना चाहिए, ये पता सबको होता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अलग अलग डिवीजन्स बार अलग अलग आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, लेकिन किस डिवीजन से कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, किस डिवीजन से कम जाएगा, वह मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उसी पिछली वैकेंसी में 2023-22 में जो सबसे कम कट ऑफ गया है सर्किल बार और डिवीजन वाइज, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने खुद से ये PDF बनाया है, शानदार। और चलिए दोस्तों, GDS सेकंड लिस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। इस वेबसाइट से हट करके कहीं ना कहीं आपको मैं वो जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूं। देखिए साथियों, इसमें मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, सभी हिंदी भाषी सर्किल डिविजन्स जहां की सबसे कम कट ऑफ पिछली वैकेंसी में गया था और इस बार भी यहां से सबसे कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्यारे साथियों उत्तराखंड सर्किल की। तो उत्तराखंड के अंदर अगर आपने पुरी और भूखंडी से फॉर्म इस बार डाला है तो कट ऑफ थोड़ा आपको कम ही देखने को मिलेगा। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बांदा डिवीज़न, वाराणसी डिवीज़न, सीतापुर, रायबरेली, मिर्ज़ापुर, खैरी, हरदोई, गुंडा, इटाहा, बदायूं, बस्ती, कानपुर ग्रामीण और प्रतापगढ़। मुझे कमेंट बॉक्स में ये मैसेज करके अवश्य बताइएगा साथियों कि उत्तर प्रदेश में अगर आपने इन डिवीज़न से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपकी कितनी परसेंटेज है, वो परसेंटेज भी मुझे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आपको डिवीजन्स बताऊँगा राजस्थान। तो दोस्तों, इस बार राजस्थान में देखा जाए तो जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, झुंझुनू, वाड़मेर और डूंगरपुर की कट ऑफ थोड़ा कम देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे फर्स्ट लिस्ट से आंकड़ा लगा रहे होंगे। दोस्तों, इसकी जो फर्स्ट लिस्ट आती है उसमें 95% बच्चे फर्जी होते हैं, तो उस पर आप ना जाइएगा। मैं समझता हूँ जिसका पहली मेरिट सूची में नाम नहीं आया है वो पहली मेरिट सूची को बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दो, उससे कोई हमें अब लेना देना नहीं है। उसका कट ऑफ क्या गया है क्या नहीं गया उसके ऊपर चर्चा करना ही जो है कचरा है, क्योंकि उसमें कचरा बड़ा पड़ा क्योंकि उसमें कचरा भरा पड़ा है और उस कचरे के बारे में हम बात ज़्यादा नहीं करना चाहते। नेक्स्ट है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट सर्किल। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको मैं बता देता हूँ, एक तो है नागालैंड और दूसरा है मेघालय, यहाँ से कट ऑफ थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। वैसे अरुणाचल प्रदेश से भी कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इस बार नया नियम लागू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश से जो भी बाहरी राज्य का अभ्यर्थी फॉर्म डालेगा और जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसको एक लोकल लैंग्वेज वाला सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो अगर आपका भी अरुणाचल प्रदेश से सिलेक्शन हुआ है और आपको भी अगर लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट बनाना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे आप स्क्रीनशॉट लेकर बताना कि कहां कहां आपने शेयर किया है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे मैं आपको इस सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाऊँगा। प्यारे साथियों, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है मुरैना डिवीज़न, इंदौर ग्रामीण, गुना, छिंदवाड़ा, होशियाबाद, विदिशा, भोपाल, चित्रपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश डिवीज़न, भोपाल और सतना, यहाँ से कट ऑफ थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। अगला है झारखंड। झारखंड में पलामू, हजारीबाग और गुमला से आप सैप लगते हो, कम परसेंटेज पर यहाँ से उम्मीद बनाए रख सकते हो। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में रायगढ़, बिलासपुर और दुर्ग से अगर फॉर्म डाला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना। बिहार की बात करें भोजपुर, दरभंगा, रोहतास, मुंगौर, सहरसा, औरंगाबाद, बिहार, मधुबनी डिवीजनल ऑफिस खेतियार, पश्चिम चंपारण, रोहतास, सीतामढ़ी, गया, सारण, जूनापुर, सिवान और नौरंगा। अगर आपने प्यारे साथियों बिहार में यहाँ से इन डिवीज़न से फॉर्म अप्लाई किया है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना और अपने परसेंटेज भी ज़रूर दर्शाना। नेक्स्ट है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक तो चंबा डिवीज़न,
रामपुर, सोलन और हमीरपुर, यहाँ से कट ऑफ थोड़ा बाकी डिविजन्स की बजाय देखा जाए तो कम ही रहने वाला है। अगला आपको दिखाई दे रहा है झारखंड, जहाँ से धनबाद हुआ, गिरिडीह हुआ, गुमला हुआ, पलामू, रांची, संताल और सिंहभूम, यहाँ कट ऑफ कम जाएगा। पंजाब कपूरथला और भटंडा, बात करें दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ 97% देखा जा सकता है। वैसे पंजाब में सभी की सभी डिविजन्स का कट ऑफ 100% रहने वाला है। अगर आप पीएच कैटेगरी से हो और पंजाब से फॉर्म डाला है और आपके हैं 80%, तो आसानी से आप लोग अगली लिस्ट का इंतजार करो, क्योंकि पंजाब से पीएच कैटेगरी का कट ऑफ कम ही जाता है। यहाँ पर मैंने बताया हिंदी भाषी सर्किल, अभी बहुत सारे ऐसे सर्किल है, जैसा कि मैं बता देता हूँ, गुजरात होता है, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक है, और भी कुछ आपको जैसे असम हुआ, ठीक है, उड़ीसा हुआ। यहाँ का अगर आपको डिविजन्स वाइज कट ऑफ देखना है तो प्यारे साथियों एक काम कीजिए, आप मुझे जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतने ही मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस बार मेरिट लिस्ट भी दो भागों में आई है, तो कट ऑफ भी मैं दो भागों में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने हिंदी सर्किल की कट ऑफ आपको बताई, नेक्स्ट मैं इन सर्किलों की डिविजन्स वाइज कट ऑफ बता दूंगा। मुझे ये देखना था कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर अदर लैंग्वेज वाले बच्चे कहाँ किस सर्किल से मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं। दोस्तों अभी सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अपडेट यही है कि अभी आपकी सेकंड लिस्ट आने में कुछ दिन लग रहे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़ा सख्ती से हो रहा है, इस बार एचटीपी गठित की गई है, 3D इंस्पेक्शन से आपका डिजी लॉकर से सारे डॉक्यूमेंट्स की जाँच हो रही है। तो अगर फर्जी है तो प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना जाए, और रियल बच्चे अगर आप हो तो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। अभी बहुत सारी लिस्ट आएंगी, हिम्मत मत हारो, हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। ये आपको मैंने सभी हिंदी भाषी सर्किल बार डिवीजन वाइज ये कट ऑफ बताने की कोशिश की है, आपको इसके प्रति क्या राय है वो जरूर बताना। बाकी कुछ महापुरुष, कुछ ज्ञानी मुझे कमेंट बॉक्स में राय भी देने वाले हैं कि यहाँ से कट ऑफ थोड़ा ये रहेगा वो रहेगा, तो वो अपना ज्ञान खुद के पास रखो। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने यहाँ पर शेयर किया है, एक बार लाइक करना और हो सके तो खूब सारा प्यार दीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।